छिंदवाड़ा में एसडीएम और तहसीलदार के साथ अभद्रता सहित रेत माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला करने के बाद कल से राज्य प्रशासनिक सेवा संघ, कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, राजस्व निरीक्षक संघ, पटवारी संघ और कोटवार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बड़वानी को ज्ञापन देकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका प्रभाव आज कलेक्टर कार्यालय में देखने को मिला। लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर कार्यालय तो आए, लेकिन जवाबदार न होने के कारण सभी बेरंग लौटने को मजबूर हो गए। कोई कलेक्टर से मिलने की आस में कार्यालय में डटा हुआ है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका काम कलेक्टर से न होकर तहसीलदार या एसडीएम से है, वे लोग वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं। वासनी से आई नानी भाई अपनी मजबूरी, जिसे अपने पति के मौत के बाद जेठ ने उसके परिवार को दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया है, तो कुछ लोग स्कॉलरशिप न मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं बेरोजगार युवा 24 सितंबर को रोजगार की मांग के लिए आंदोलन की तैयारी में है, लेकिन इजाज़त देने वाला कोई नहीं है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। हम छात्र जो है सन 18-19 में प्राइवेट किए थे और 19-20 में रेगुलर हुए हैं। उन छात्रों के पोर्टल पर नाम नहीं होने से छात्रवृत्ति के फॉर्म जमा नहीं हो रहे, तो पिछले साल से हम दौड़ रहे हैं पर कुछ भी नहीं हो रहा है। पिछला साल सत्र पूरा बीत गया है, इस साल का भी अभी 2 महीने हो गए हैं। अभी कब से बैठा आप? अभी हम 2-3 घंटे हो गए। कलेक्टर साहब अभी मीटिंग में है, वो अभी टाइम लगेगा उनको। तो उनके अलावा काम होगा ही नहीं क्या? उनके अलावा फिर किसे आवेदन किसे दें हम? कोई अधिकारी जो हो तो उनको दे। हड़ताल का हड़ताल से फर्क पड़ रहा है? हाँ, वो तो पड़ रहा है, क्योंकि अगर हड़ताल नहीं होती तो हमको अधिकारी मिल जाते हैं। कलेक्टर, हम 24 तारीख को महा आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार सभी युवा मध्य प्रदेश के, तो उसके संबंध में हम परमिशन लेने के लिए आए थे कि पिछले कई सालों से भर्तियां नहीं निकली है, तो हम उसके लिए एसडीएम साहब से परमिशन लेने आए, बेरोजगार युवाओं को भर्तियां निकालो और रोजगार दो करके। लेकिन आज यहाँ आके पता चला तो एसडीएम साहब भी हड़ताल पे है, तहसीलदार साहब भी कोई यहाँ पे अधिकारी नहीं है। उससे समस्या ये हो रही है कि जनता आ रही है जा रही है, हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में समझ में नहीं आ रहा। आप सुनने में आया कि कहीं पर नेता ने काली पोत दी है एसडीएम के उस पर, किसी ने अभी सुनने बीच में आया कि गोली चला दी है, तो ये मध्य प्रदेश में क्या गुंडा राज आ गया है? किसका राज चल रहा है ये? कोई जनप्रतिनिधि कोई सुन नहीं रहा है। बेरोजगार रोड पे निकल रहे हैं, किसान रोड पे चल रहे हैं और अधिकारी हड़तालों पे चल रहे हैं, ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।